हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेतपुरी रेडियो यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रिव्यू करने वाले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर एस अग्रवाल का ये जो बुक है, जो कि हम लोग जानते हैं कि बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आप एन आइडियल बुक फॉर बैंक, PO, SBI, PO, IBPS, ऐसे बहुत से एग्जाम जैसे कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो उसके लिए ये बुक मस्ट है। देखिए, मैंने बहुत से वीडियोस चेक किए एंड बहुत से सोर्स भी यही कहते हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर एस अग्रवाल का ये अगर बुक आप एक खरीद लेते हैं, और इसके साथ और एक बुक भी आपको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि उससे बहुत से शॉर्टकट मेथड्स आपको मालूम पड़ेंगे। और ये वाला जो बुक आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप शॉर्टकट मेथड्स उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, मगर ये बस बेसिक नॉलेज एंड कुछ एग्जाम्पल से भरा हुआ है। टोटल बुक जो है पूरा एग्जाम्पल से भरा हुआ है, मतलब एक्सरसाइज आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा और कुछ कुछ बेसिक थियोरीज भी हैं। तो आज मैं इस बुक का रिव्यू करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज सैयद परवेज रहमान एंड यू आर वाचिंग सैयद प्रिया यूट्यूब चैनल। तो पहले मैं ये बताना पसंद करूँगा कि ये जो एडिशन है, ये रिवाइज्ड एडिशन है। सो इसका मतलब ये होता है कि जितने भी सारे एडिशन पब्लिश हुए ना, कि उसका एक मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पब्लिशर्स है एस चंद, ठीक है। डॉक्टर आर एस अग्रवाल का ये बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब देख सकते हैं कि ये बुक किन कौन से एग्जाम्स के लिए आइडियल है। अब देखिए, यहाँ पे जो नेम्स लिखे, बस इतने ही एग्जाम्स नहीं, ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बीट करने के लिए बहुत अच्छा है। अब देखिए, इसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे बहुत से एक्सरसाइज है, आप बस इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट मेथड अगर आपको चाहिए तो मैं फर्स्ट ट्रैक का बुक आपको खरीदना पड़ेगा, उसका रिव्यू मैं बाद में कभी कर लूँगा, क्योंकि अभी तक वो बुक मैंने नहीं लिया है। और ये बुक मैंने ख़रीदा था लॉकडाउन के टाइम पे, तो तब MRP कुछ अलग सा 650 था और अब का MRP कुछ अलग है, ठीक है। तो इसका जो ख़रीदने का जो अमाउंट है वो वैरी करता रहता है, ठीक है। तो मैं देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि अंदर क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 मंथ सब्सक्रिप्शन वर्थ 299, ठीक है। ये किस लिए कि आप ऑनलाइन पे जा सकते हैं इनकी वेबसाइट पे एंड वहाँ पे जाके आप देखिए टेस्ट दे सकते हैं, और उसके बाद कह सकते हैं कि इम्प्रूव योर एक्यूरेसी, बिल्ड योर एग्जाम स्ट्रेटेजी एंड गेट डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है। ये 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, इसका मतलब ये है कि आपका सब्सक्रिप्शन जब एक्सपायर कर जाएगा आपको फिर से इसे खरीदना पड़ेगा। अब आप खरीद भी सकते हैं, ना भी खरीद सकते हैं। वैसे मैं कहूँगा बस यही कि अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप ज़रूर कोई ना कोई कोचिंग तो अटेंड कर ही रहे होंगे, तो फिर वो कोचिंग ही बहुत ज़्यादा है, आपको इस सब्सक्रिप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप एक बार टेस्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि ये फ्री का है। सो उसके बाद हम लोग देख लेंगे ये जो पेज है, ठीक है। देखिए, पेज का जो क्वालिटी है मैंने चेक किया है। अब आपको ऐसे करके तो वीडियो के जरिए नहीं कह सकते कि ये अच्छा है बुरा है, पर मैंने चेक किया है, ये पेज की क्वालिटी बहुत अच्छा है, ठीक है। ये आप कंटेंट्स है, आप कंटेंट्स को भी चेक कर ले सकते हैं। इसका जो कंटेंट्स है आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो आप देख लीजिएगा कि कंटेंट्स पे क्या क्या है। सो मैं बस एक एग्जांपल दिखा दूँ, जैसे कि मान लीजिए कि नंबर सिस्टम, पेज नंबर 3। देखिए, ये नंबर सिस्टम यहाँ पे क्या किया है कि उन लोगों ने बस एक बेसिक सा, एक समरी सा, मान लीजिए एक समरी, बेसिक थियोरी भी नहीं, ये बस एक समरी सा है। आपने ये समरी पढ़ लिया और उसके बाद क्या हुआ कि आप ये समरी जैसे पढ़ लेंगे, आपके सिर के अंदर कुछ चीज़ें, कुछ बेसिक नॉलेज आ गए, उसके बाद आपको ये एग्जाम्पल करना पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं, उसके बाद भी आप लोगों को एक्सरसाइज मिलेंगे। ये सब कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये एग्जाम्पल 30 है, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको ज़रा सा व्यू कर देता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, ठीक है, एग्जाम्पल सॉल्यूशन। सो उसके बाद हम लोग चल जाते हैं, यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज है, ये पूरा बुक एक्सरसाइज का भंडारा है। मतलब आप अगर इस बुक को खरीद लेते तो फिर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो कि मिस जाएगा, ओके। आपको सब क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो मेरा रिकमेंडेशन बस यही है कि ये बुक आप ज़रूर खरीदेंगे। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को ज़रूर खरीदें। अब मैं कुछ बातें कह देता हूँ कि देखिए, बुक खरीदने से आप
कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। बुक बस खरीदने से नहीं चलेगा, आपको इसे प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। अब अगर मेरी बात करिएगा तो फिर मैंने इस बुक को ख़रीदा था, पहले कुछ दिन बहुत अच्छे से इसे किया भी जैसे कि नॉर्मली जो होता है, मगर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरा माइंड अचानक से चेंज हो गया कि मैं इसे धीरे धीरे करना ज़रा सा छोड़ने लग गया, ठीक है। क्योंकि ये बुक बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा है, और अगर मेरे टाइप के पर्सन से जिनको कि एक दिन में सब कुछ कंप्लीट करना होता है तो फिर तो ये कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। इसे आपको हार्डवर्क लगेगा, डेडिकेशन लगेगा, इसमें टाइम भी लगेगा, ठीक है। तो जब भी इस बुक को आप कंप्लीट करने के लिए बैठिए तो फिर पहले तो आपका माइंडसेट सही होना चाहिए कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो किसी कोचिंग को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे कुछ नॉलेज लीजिए, उसके बाद आपको वो जो बुक सजेस्ट करेंगे उस बुक को आप खरीद लीजिएगा। उनमें से ये बुक ज़रूर सजेस्ट करेगा, मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ। और वैसे इस बात को ज़्यादा छेड़िएगा नहीं कि गारंटी के साथ लिख के देता हूँ, बस मैंने ये आपको माइंडसेट अच्छा बनाने के लिए कहा, ठीक है। ये मेरा रिकमेंडेशन है, मुझे मालूम नहीं कौन से टीचर आपको रिकमेंड करेंगे और कौन से नहीं, ठीक है। सो ये आप खरीद सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। और जो मैंने आप लोगों को बताया कि बस ख़रीदने से नहीं चलेगा, आपको इसे करना पड़ेगा, और एक दिन में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको इसे रेगुलर करते रहना पड़ेगा, जैसा टाइम लगेगा। और इस बुक का और एक खासियत बात क्या है कि अगर आप मान लीजिए कि बंगाली मीडियम या फिर हिंदी मीडियम से, मतलब इंग्लिश मीडियम से आप नहीं है, ठीक है, तो फिर इस बुक का एक बेनिफिट क्या है कि अगर आप इसे खरीदेंगे, यहाँ से जो बेसिक डिटेल्स आपको जानने के लिए मिलेगा ना, तो वो आप किसी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ना होके भी उसे समझ पाएंगे। और इससे आपको फ़ायदा यही होगा कि किसी भी इंग्लिश क्वेश्चन को आप नॉर्मली सही से पढ़ के क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये आपका एक प्लस पॉइंट है, तो उस दिख से ये बुक बहुत अच्छा है, क्योंकि बाज़ार में बहुत से बंगाली या फिर हिंदी बुक भी मिलते हैं। तो फिर मैं बस यही कहूँगा कि ये बुक अगर आप ख़रीदते हैं तो फिर इंग्लिश में भी आप तगड़ा हो जाएंगे, ठीक है। एंड इंग्लिश में मतलब इंग्लिश मैथ, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोला। और इस बुक का टोटल पेज भी मैं आपको बता देता हूँ, पहले आपने साइज़ तो देख ही लिया होगा, देख लीजिए, ठीक है। अब इसका पेज जो लास्ट पेज है, लास्ट पेज देख सकते हैं आप, 952, ठीक है, 952, ठीक है। सो 952 टोटल पेजेस है। सो फ्रेंड्स, आज का ये था रिव्यू। इस बुक को आप ज़रूर खरीदेगा अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सोच रहे हैं, तो इस बुक को तो ज़रूर एक मस्ट बाय है। और जो कहा कि इस बुक को बस खरीदने पर नहीं चाहिए, खरीदने के बाद आपको इसे हर रोज़ करना पड़ेगा। एंड आप अपने माइंडसेट को पहले तैयार कीजिए कि आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। और मैं भी एक ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, मैं भी प्रिपरेशन लूँगा, मगर अभी मैंने इस बुक को करना बंद करके रखा है क्योंकि अपना खुद का पढ़ाई भी तो है ना। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। इस चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो फिर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता हो बुक रिव्यूज़, एनिमीज़, मूवीज़ इन रिलेटेड वीडियोज़, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।